दोस्तों आज के इस वीडियो से बात करने वाला हूँ रेडमी के बारे में, और यहाँ पर रेडमी के कुछ दो नए टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि रेडमी का एक नया अपकमिंग जो सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन है वो अमेजोन पे लिस्ट हो चुका है, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्म करूँगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी इन्फॉर्म कर दूँ कि इंडिया में अभी जो 5G स्मार्टफोन है वो कुछ हमें यहाँ पर 15,000 रुपये की रेंज में देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी भी कोई भी ऐसा स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है जो कि आपको यहाँ पर 10,000 रुपये की प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिले। तो फाइनली यहाँ पर रेडमी अपना एक नया स्मार्टफोन लेकर के आ रहा है जो कि को 10,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो चीजें हैं वो फिलहाल यहां पर कंफर्म हो चुकी हैं, पूरी डिटेल आपके साथ में शेयर करूंगा, तो फाइनली वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करूं सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन के बारे में, तो अभी यहां पर 90 मोबाइल पर एक रिपोर्ट निकल रही है जहां पर यह कहा जा रहा है कि अभी इंडिया में जो 5G स्मार्टफोन है वो आपको 15,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिल रहा है। इनफैक्ट 15,000 से नीचे कोई भी स्मार्टफोन अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है जिसमें आपको 5G पर देखने को मिले। अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि 2021 में तो 15,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर 5G स्मार्टफोन आ गए, लेकिन 2022 में आपको 10,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर 5G स्मार्टफोन देखने के लिए मिलने वाले हैं। और यहां पर ये भी कहा जा रहा है कि Redmi ऑलरेडी इसकी तैयारी कर चुका है, Redmi ऑलरेडी पूरा प्लान कर चुका है 10,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए, और मे बी ये जो 5G स्मार्टफोन है वो आपको ईयर के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाए। और यहां पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि Redmi की जो अपकमिंग नोट 11 सीरीज आने वाली है इसमें बेसिकली आपको काफी सारे स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं, तो इसमें आपको एक ऐसा स्मार्टफोन देखने को मिलेगा 5G जो कि यहां पर आपको 10,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल सकता है। अब यहां पर दोस्तों जहां तक मुझे लगता है कि पिछली बार नोट 10 सीरीज आई थी तो Redmi नोट 10 पहला स्मार्टफोन था जिसमें आपको इनफैक्ट 12,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिली थी। तो क्या यहां पर Redmi नोट 11 भी हिस्ट्री को चेंज करने वाला है और Redmi नोट 11 स्मार्टफोन में आपको 10,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर 5G देखने को मिलेगा इंडियन वेरियंट में? फिलहाल देखते हैं क्या चीजें निकल करके आती हैं। लेकिन यहां पर कहा यह जा रहा है कि Redmi ने इसकी प्लानिंग कर ली है 10,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर एक 5G स्मार्टफोन लाने के लिए, और ये जो 5G स्मार्टफोन है वो आपको 2022 में देखने को मिलने वाला है Xiaomi की तरफ से। दूसरी गुड न्यूज दोस्तों आपको ये दे दूं कि Redmi Note 11 T 5G स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है 30 नवंबर को इंडिया में। अब फाइनली ये जो स्मार्टफोन है वो Redmi का अभी तक का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन 15,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलेगा जो कि Redmi का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होगा। देखते हैं कैसे होता है। और यहां पर अब ये जो Redmi का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन आने वाला है ये Amazon पे लिस्ट हो चुका है, Amazon पे इसकी लिस्टिंग हो गई है, और Amazon पे आपको इसके मैक्सिमम जो फीचर्स हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप इस स्मार्टफोन की डिजाइनिंग, इस स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक, सभी चीजें देख पाएंगे Amazon पे जाकर के कि क्या क्या डिटेल इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली हैं। और साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी इन्फॉर्म कर दूं कि ये स्मार्टफोन 30 नवंबर को दोपहर के 12 बजे लॉन्च होने वाला है, तो देखते हैं आखिर किस एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर और किस फीचर्स के साथ में ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है। तो फाइनली ये है दो इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि Redmi की तरफ से निकल करके आई थी। पहली वाली तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, मैंने सोचा जरूर से आपके साथ में शेयर करना चाहिए। अब आप क्या यहां पर 10,000 रुपये की प्राइस पॉइंट पर एक 5G स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? अपना ओपिनियन मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।